2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसमें सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, समाज सेवी संस्था समेत स्कूल महाविद्यालयों के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वच्छता अभियान के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आदरांजलि अर्पण की गयी। 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान को देशभक्ति की भावना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक होने की खातिर यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करें। स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन में तब्दील करना चाहिए। लोगों को ठान लेना चाहिए कि वह न तो गंदगी करेंगे और न ही करने देंगे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस कार्य की शुरुआत की थी। सभी से स्वच्छ भारत अभियान देश के हर कोने कोने में अनेक सामाजिक संस्था संगठन विविध शाला महाविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है। रोटरैक्ट क्लब ऑफ चंद्रपुर स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ चंद्रपुर जागरूकता रैली निकाली गयी। इसमें विविध स्कूल के विद्यार्थी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। इस रैली में विविध स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रहलाद गिरी ने इस रैली का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर निमित्त स्वच्छता की मुहिम चलाने रोटरैक्ट क्लब ने भागकार लिया, जिसमें छोटे बच्चों ने सहभाग लिया है। छोटे बालकों द्वारा स्वच्छता का संदेश देना, यही इस रैली का उद्देश्य है। इस समय उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रहलाद गिरी ने रोटरैक्ट द्वारा चलाए गए इस अभियान के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। रोटरैक्ट क्लब ऑफ चंद्रपुर की प्रेसिडेंट आरती गोस्वामी ने इस रैली का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए स्वच्छता का संदेश प्रदान किया और ऐसे ही सामाजिक कार्य करने की मंशा जताई। इस रैली में रोटरैक्ट क्लब ऑफ चंद्रपुर की प्रेसिडेंट आरती गोस्वामी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रहलाद गिरे, इनके साथ ही दीपक अग्रवाल, हमजा बोहरा, सुशील बागला, इब्राहिम जवेरी, लोकेश गोयल, सुमित दुधानी, परेश जोशी, पीयूष सादरानी, ताहिर अली, जेशान एलाने, नीरज सारडा, प्रतीक सारडा, कैलाश सोनी, साक्षी भगत, वैशाली मोगरे, शिरिन अली, पॉली वाही, मौली वाही, निखिल महादिया, इनके साथ ही स्कूल के विद्यार्थी बड़ी तादाद में शामिल थे। 2 अक्टूबर निमित्त स्वच्छते की मोहिम राबने करता रोटरैक्ट क्लब यांनी पुढाकार घेतला आणि लहान विद्यार्थ्यांचा सहभाग घेऊन लहान मुलांनी जर वडिलाला शिकवलं तर निश्चितच त्याचं कौतुक केले जाते आणि ते सर्वांच्या लक्षात राहण्याजोगी गोष्ट असते। म्हणून लहान मुलांच्या द्वारे हा स्वच्छतेचा संदेश द्यावा हा उद्देश यामागचा आहे। मी रोटरॅकने केलेल्या या अभियानास शुभेच्छा व्यक्त करतो। मोदी जी के शुरू की गए स्वच्छता भारत अभियान में हम रोटरा क्लब ऑफ चंद्रपुर ने एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में कई स्कूलों के छोटे बच्चे थे और बच्चों की तो भगवान भी सुनता है, तो हम ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों के जरिए बड़े लोग भी सुने और हमारे शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश करें और स्वस्थ रहें, और ऐसे ही हम सामाजिक कार्य करते रहें।